दोस्तों, एक होता है अमीर इंसान और दूसरा होता है बहुत अमीर इंसान। नहीं नहीं, गलत फहमी में मत रहिए, यहाँ हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की बात नहीं हो रही, क्योंकि आज हम आपको जिस चीज के बारे में बताने वाले हैं, उसे खरीदना मतलब बैंक बैलेंस में साक्षात कुबेर का आगमन होना। क्योंकि दोस्तों, प्राइवेट जेट खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन कुछ प्राइवेट जेट्स की कीमत तो वाकई में आसमान छूती है। तो दोस्तों, सोने के इंटीरियर वाले प्राइवेट जेट से लेकर सोने के सिंक वाले प्राइवेट जेट तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। गल्फ स्ट्रीम 5। दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम 5 नाम की प्राइवेट जेट सेफ्टी और परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया की सबसे बेहतर प्राइवेट जेट में से एक मानी जाती है। और इसी प्राइवेट जेट का इस्तेमाल जिम कैरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस प्राइवेट जेट को $43 मिलियन में खरीदा है। असल में दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट अर्ली 19 में बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस के राइबर प्लेन के तौर पर डेवलप किया गया, जहां ये प्लेन आराम से 6,500 नॉटिकल माइल्स तक उड़ सकता है। ऐसे में इसे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बिजनेस जेट भी कहकर बुलाया जाता है। दोस्तों, इस शानदार प्राइवेट जेट में 4 क्रू मेंबर और 14 पैसेंजर्स आराम से लग्जरी के साथ सफर कर सकते हैं, जहां इस प्लेन को जिम कैरी के साथ साथ यूएसए मिलिट्री द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां जब जिम कैरी या फिर यूएस आर्मी जनरल भूखे होते हैं तो उनके लिए इस प्लेन में खाने पीने की भी शानदार सुविधाएं होती है। दोस्तों, ये प्राइवेट जेट बहुत ही रेयर है, जो केवल कुछ गिनी चुनी ही जगह बनाया गया है, जिनमें से ज्यादातर मिलिट्री पावर के लिए इस्तेमाल होता है। Embraer Lineage 1000। दोस्तों, Embraer Lineage 1000 का जो इंटीरियर है, वो प्राइवेट जेट्स में सबसे बेहतरीन इंटीरियर्स में से एक है। और ये लग्जरियस प्लेन 5 कैबिन जोन में डिवाइड है, जहाँ पैसेंजर एरिया में बहुत ही कंफर्टेबल लेदर चेयर है और एक ऐसी टेबल है जो ऑटोमेटिकली अंदर से निकलकर खुलकर सामने प्रकट हो जाती है। और इसके साथ साथ एक ऐसा काउच भी है जिसमें आप आराम से सो भी सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे कंपार्टमेंट की बात करें तो उसमें मास्टर बेडरूम के साथ साथ लग्जरियस बाथरूम भी अवेलेबल है, जहां ये प्लेन 500 से 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और अगर हम इस प्राइवेट जेट की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत $53 मिलियन है। एयरफोर्स 1। दोस्तों, आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स वन के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि इसके चर्चे दुनिया भर में चलते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप की ये प्राइवेट जेट लग्जरियस होने के साथ साथ सेफ्टी मेजर्स पर भी ध्यान रखकर बनाई गई है। और इस शानदार प्राइवेट जेट में आराम से 43 पैसेंजर्स आ सकते हैं। जेट की हाईएस्ट स्पीड 500 मील प्रति घंटे की है। इसमें सोफा सेट के साथ साथ 57 इंच का टीवी भी मौजूद है, जो बेसिकली एक फ्लाइंग मूवी थिएटर की तरह है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी फेवरेट मूवीज देखते हैं। जहां गेस्ट रूम के साथ साथ ट्रंप का मास्टर बेडरूम भी मौजूद है, जिसमें गोल्ड वॉल लाइनिंग भी बनी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी दुबई के शेखों की तरह सोने से बड़ा प्यार है। और इसीलिए इनके बाथरूम में 24 कैरेट गोल्ड से बना सिंक भी मौजूद है। ऑल टोटल डोनाल्ड ट्रंप की प्राइवेट जेट वाकई में बड़ी शानदार है, जिसकी कीमत करीब $100 मिलियन है। बोइंग 767। अब दोस्तों, आप जरा इस प्राइवेट जेट पर अपनी नजर डाल लो, जिसे मार्क क्यूबन जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर ने खरीद रखा है, जहां इसके ओरिजिनल मॉडल की रेंज 200 लोगों की है, लेकिन जब ये प्राइवेट जेट में मॉडिफाई होकर तैयार होती है तब भी आराम से 52 लोग इसकी लग्जीरियस फैसिलिटीज का आनंद उठा सकते हैं। पर दोस्तों, लग्जीरियस होने के साथ साथ इसकी कीमत भी आसमान में है, जहां ये बोइंग 767 जेट प्लेन $144 मिलियन से ₹1 भी कम में नहीं मिलने वाली। गल्फ स्ट्रीम 3। दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम 5 के बारे में तो आपको पता चल गया, अब जरा आप गल्फ स्ट्रीम 3 के बारे में नजर डाल लीजिए, क्योंकि ये प्राइवेट जेट भी लग्जरी के मामले में किसी से कम नहीं है, जहां इसकी हाईएस्ट स्पीड 576 मील प्रति घंटे की है, लेकिन इसका इंटीरियर वाकई में दिल जीत लेता है, जहां सब कुछ इतने अच्छे से फर्निश्ड है कि इसे देखकर लगता ही नहीं कि हम किसी ट्रैवलिंग के पर्पस से प्लेन में चढ़े, क्योंकि ये प्राइवेट जेट लग्जरी के मामले में वाकई अनबीटेबल है, जहां पर कॉन्स्टेंट सैटेलाइट कनेक्शन के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी और उसके सामने शानदार सोफा सेट मौजूद है। यानी कि अगर आपने एक बार इसके अंदर प्रवेश कर लिया तो वाकई में आपको लगने लगेगा कि आप किसी घर में मौजूद है, क्योंकि दोस्तों, इस लग्जरियस प्राइवेट जेट में हर वो चीज मौजूद है जो किसी 5-स्टार होटल में होती है या बड़े बड़े लोगों के घर में होती है। पर हाँ, इसे खरीदने के लिए जेब भी ढीली करनी पड़ती है। इसकी कीमत है $125 मिलियन। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे आपके लिए। बोइंग 747।
अब दोस्तों इस प्लेन के बारे में क्या ही कहना, इसके चर्चे तो हर जगह हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बोइंग 747 एक शानदार प्लेन है, जहां ये फ्लाइंग पैलेस की तरह है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग 757 खरीदी तो उसके बाद बोइंग कंपनी को ये एहसास हुआ कि अब उन्हें बेहतर से बेहतर प्लेन बनानी होगी, जिसके लिए वीआईपी लोग दिल खोलकर पैसा उड़ा सके, और इसी वजह से उन्होंने नॉर्मल एयरलाइनर का एक अलग ही वर्जन तैयार करना शुरू कर दिया। उसी का एक रूप बोइंग 747 है, जिसके अंदर लग्जरी की कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आप इसकी कीमत सुनकर हैरान हो जाइए, क्योंकि ये प्राइवेट जेट 200 मिलियन डॉलर से नीचे नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं चौंकिए मत, हमने तो आपसे पहले ही कहा था इसे बनाने का मकसद ही वीआईपी लोगों का दिल खोलकर पैसा उड़ाने का मौका देना है, क्योंकि अमीर लोग वैसे तो कहीं पैसा खर्च करेंगे नहीं सिवाय प्राइवेट जेट और आइलैंड वगैरह खरीदने में। वैसे ये प्लेन लॉन्गेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइनर इन द वर्ल्ड भी कहलाई जाती है, जहाँ 8000 मील प्रति घंटे बिना रुके बिना थके चलती जाएगी, और एक दिन 757 को रिप्लेस करके अमेरिका के प्रेसिडेंट पक्का 747 को अपना एयरफोर्स वन बनवाएंगे, जहां इसमें सब कुछ बेस्ट और हाई क्वालिटी मटेरियल से बनाया गया, और इसी वजह से इसके चर्चे दुनिया भर में होते हैं, क्योंकि ये किसी फ्लाइंग होटल से कम नहीं है। बोइंग 737, हमने कहा था ना बोइंग कंपनी रुकने वाली नहीं है, और वाकई में ऐसा ही है, क्योंकि अब बोइंग 747 के बाद बोइंग 737 की बारी है, जिसमें 25 से 30 लोग आराम से इसकी लग्जीरियस फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं। और तो और बोइंग 737 बिजनेस जेट 6000 नॉटिकल माइल्स तक उड़ने की ताकत रखती है, जहां इसे यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जब ये लॉन्च हुई थी तो कई सारी कंपनीज ने इसका ऑर्डर दिया था, लेकिन ग्लोबल रिसेशन के बाद बोइंग कंपनी को मंदी झेलनी पड़ी, पर दोबारा से इस कंपनी ने बाउंस बैक किया और सभी के छक्के छुड़ा दिए, जहां अब कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक बोइंग बिजनेस जेट खरीदा है, जिसे ज्यादातर वीआईपीज द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के लिए भी आने वाले समय में बोइंग कंपनी का जेट इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर हम बोइंग 737 की कीमत की बात करें तो इसके प्राइवेट जेट की कीमत 250 से 300 मिलियन डॉलर्स के बीच में। नहीं अभी घबराइए मत, आगे अभी दो प्राइवेट जेट के नाम और दाम सुनने बाकी हैं, जिसे सुनने के बाद आप वाकई हैरान हो जाएंगे। एयरबस ACG 320 नियो। अब दोस्तों चलिए इसे शानदार प्राइवेट जेट की बात कर लेते हैं, जिसमें आराम से 25 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, जो कि 6000 नॉटिकल माइल्स तक उड़ने की कैपेसिटी रखता है, और तो और ये बिना रुके आपको पूरी दुनिया में घुमा भी सकती है। जी हाँ, इस प्राइवेट जेट के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये बिना रुके 13 घंटे चल सकती है। ऐसे में इस प्लेन का इंटीरियर पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। ये बात कस्टमर पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से अपनी इस शानदार एयरबस प्राइवेट जेट को रखना चाहता है, जहां पर आप मास्टर बेडरूम से लेकर लग्जरियस काउच के साथ कॉन्फ्रेंस रूम तक बनवा सकते हैं, यानी कि जो कुछ भी कस्टमर चाहता है उसे आराम से मिलता है, लेकिन बेसिक फैसिलिटी में ये सभी चीजें शामिल है। हम आपको बता दें प्लेन काफी नई है, जहां ये नवंबर 2018 में बनकर तैयार हुई, और दोस्तों अगर इसकी कीमत की बात करें तो वो है 500 मिलियन डॉलर्स। एयरबस A380। दोस्तों एयरबस A380 को प्राइवेट जेट्स के किंग के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्राइवेट जेट को सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अल सऊद ने खरीदा है। माना जाता है कि इसे इन्होंने 500 मिलियन डॉलर्स में खरीदा है, लेकिन जब इन्होंने इस प्लेन को कस्टमाइज किया तो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इस बढ़ी हुई प्राइस का तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात सबको पता है कि ये प्लेन बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस है, जहां इसका इंटीरियर पूरा सोने से भरा पड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि सऊदी के प्रिंस ने खरीदा है तो वो अपनी चीजों में सोना लगाना कैसे भूल सकते हैं, और इसी सोने की प्लेटिंग की वजह से ये दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट जेट एयरप्लेन है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।